हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुलोचना, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। ये कदीमा का फूल है, आज मैं इसका एक अच्छा सा स्नैक्स बनाने वाली हूँ। तो चलिए हमारे रसोई में देखते हैं। ये मैं 200 ग्राम बेसन ली हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े मसाले, जिसमें मैं हल्दी एक छोटी चम्मच ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिया मैंने, जीरा का पाउडर एक बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच। इसमें मैं जीरा ज़्यादा देती हूँ तो इसका स्वाद ज़्यादा ही अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। और इसको देखिए इस तरह से मिलाना है, एकदम क्लॉकवाइज में ही घुमाना है इसको। ये नहीं कि कभी इधर से घुमाए कभी इधर से, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे ताकि ये एकदम से पतला नहीं हो जाए। तो फिर इसे घुमाते हुए लगभग इसको 10 मिनट फेंटना है। अब मैं इसमें चावल का आटा एक बड़ा चम्मच लेके इसको डाल देती हूँ, ताकि इससे जो है ना बहुत ही अच्छा बनेगा, ये इससे करारा बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो चलिए इसको मिला के मैं अब डाल देती हूँ 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, जो मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था। ये ठंड हो गई है, एकदम गर्म नहीं डालना है इसमें। तो इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिलाती हूँ। और इसको मिलाने से पकौड़े बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनती है और स्वाद तो पूछिए मत। तो इस तरह से इसको मिला के मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अब मैं इसको देखिए अब फूल को अब तैयारी कर लेती हूँ। जब तक वो आधे घंटे होंगे तब तक इसका तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से फूल, ये मेरा थोड़ा सा फूल मार्केट से लाने में और पॉलीथीन में थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन ये देखिए फूल अंदर से बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसको इस तरह से डंठल निकाल के और बारी बारी से इसको इस तरह से बस लगा के रखना है। इसका सारा डंठल वगैरह निकाल के मैं पहले निकाल लेती हूँ इस तरह से उंगली से दबा के नाखून से, और इसको देखिए एकदम से निकल जाता है आराम से। तो इस तरह से निकाल के इसको सीधा कर करके मैं एक जगह सारा निकाल के रख लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से निकाल के अलग अलग करके रख लेना है। तो चलिए सारे फूल को मैं निकाल लूँगी इसी तरह से, और ये जो डंठल और वो अंदर वाला भाग है वो सारा हटा देना है, और अंदर में अच्छे से देख लेना है कुछ गंदगी वगैरह कुछ नहीं रहे, कीड़ा मकोड़ा सारा चेक करके तभी इसको अलग से हम लोग रख लेते हैं। अब इस तरह से देखिए मेरा सारा निकल गया है, और ये देखिए इसका डंठल कैसा निकला है, इसके अंदर का सारा भाग और ये साइड से जो भी है फूल जैसा दिख रहा है, ये सारा हम लोग हटा के फेंक देते हैं। अब मैं लेती हूँ एक बर्तन में पानी और इसको एक एक करके सारा फूल को मैं अच्छे से धोऊंगी पानी में डुबा के, और इसका पानी को थोड़ा सा ऐसे झाड़ लेना है हाथ से और रख लेना है। तो ये पानी में डुबा के मैं इसको सारा को धो लूँगी। देखिए इस तरह से देख लीजिए लास्ट हो गया। तो इसमें जैसे ये सटा हुआ रह गया था मेरा, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये अंदर से देखिए कितना साफ है सारा, जो टूट गया है उसको इस तरह से मुड़ के रखेंगे और इसी तरह से फिर ये बनेगा। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि पूछिए ही मत। देखिए इस तरह से ये सारा मैंने रख लिया है। अब मैं चलती हूँ देखती हूँ कि बेसन का क्या हाल है। ये देखिए बेसन मेरा कैसा हो गया है, थोड़ा सा ये गाढ़ा ही है अभी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिला के इसको मिलाऊंगी। तो इसमें मेरा बाकी है अभी और कुछ डालना है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से देखिए ऐसा घोल बनाना है, ताकि ये ना गाढ़ा हो ना पतला। ज़्यादा पतला होगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा, और ज़्यादा गाढ़ा भी होगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा। एकदम अच्छा एकदम स्मूथ टाइप का बनाना है इसको। अब देखिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 बड़ा चम्मच, ये खसखस है मेरा जिसको मैं पोस्तदाना भी बोलती हूँ। तो और ये अजवाइन आधा छोटा चम्मच। तो
इसको मैं हाथ से रगड़ के और इस तरह से डाल देती हूँ। अजवाइन आप ज़रूर डालिए, इससे गैस वगैरह का बनने का चांस नहीं रहता है, इसे स्किप मत कीजिएगा। और ये पोस्तदाना भी इसमें ज़रूर से ज़रूर डालिए, ताकि इससे जो है ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये मैं नमक डाली हूँ स्वाद के अनुसार। नमक डालते समय ध्यान रखना है कि इस नमक इसमें इतना नमक डालिए जो कि ये फूल में भी वो नमक सही आ जाए, तो यानी बेसन में थोड़ा सा तेज हो जाए। आप अब देखिए मेरा ये तैयार हो गया है, उधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस तरह से बेसन को ऐसे करके बेसन में फूल को लपेटना है, ताकि दोनों साइड से उठा के ऐसे ऐसे करके और ये उठा लेना है। अब देखिए मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको, देखिए इस तरह से। तो जितना तेल है उसी, और ये एकदम फुल फ्लेम अभी है, एकदम तेज आंच पे ही इसको डालना है, ताकि इसके अंदर जो है ना तेल एकदम नहीं घुसे, नहीं तो अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो वो पकौड़े के अंदर जो है ना तेल अंदर चला जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में, स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए इसको मैं इस थोड़ा थोड़ा झरनी से इस पर तेल थोड़ा थोड़ा इस तरह से गर्म तेल डालूंगी, ताकि ये ऊपर वाला भाग भी है ना फटाफट से अच्छा हो जाए। और ये देखिए फुला फुला भी हो रहा है ऊपर से, कितना अच्छा, और देखने में भी अच्छा होता है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, ऐसा स्वाद है इसका। तो चलिए इसको मैं इस तरह से एकदम पकौड़े को सुनहरा एकदम कर लूँगी पलट पलट के, और एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसको फिर से निकाल लूँगी। सुनहरा होने पर निकाल कर इसको मैं आप स्नैक्स के रूप में खाएं या चाय पकोड़े के साथ खाएं। हमारे बिहार में जो है ना इसको चावल दाल सब्जी पकोड़ा बहुत ही पसंद करते हैं लोग, तो उस तरह भी हम लोग खाते हैं। तो आप जैसे आप ऐसे भी खाएं सॉस के साथ, हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ, ये तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये रसोई में बनाया हुआ खाना पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह से पुराना पुराना रेसिपी बनाते रहती हूँ, जो कि हमारे नानी दादी से मैंने सीखा है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। और आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से देखिए ये अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी देखिए। तो इसी तरह से और भी मैं इसमें डालती हूँ आगे। ये मेरा मैं तेल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, जिसके कारण इसमें बहुत सारा मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये पकौड़े थोड़े अलग अलग रहेंगे तभी अच्छे से पकेंगे। तो चलिए अब मैं और इसमें एक बार डाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा अब मैं इसमें डाले हूँ और सारा पकौड़ा। तो इसी तरह से आप दोनों ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे से मिला के इसको बेसन लगा के और इसको डालना है। ये देखिए एकदम जब डालते समय ना एकदम फ्लेम फुल कर देना है, उसके बाद एक साइड से अच्छे से पके, उसको जब पलट देंगे उसके बाद लो मीडियम फ्लेम कर देना है। बस उस पर आप पलट 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 करके एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल लीजिए, और ये एकदम क्रिस्पी बनती है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसको। तो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको बना के खाइए अच्छा लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार सबको शेयर करेंगे तो वो लोग भी देखेंगे और बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स ऑफ ऑल। देखिए मेरा सारा बनके तैयार हो गया है।